Hello everyone, and a quick hi to all the fans, the owners and the management. 4 years and a new IPL team for me. I'm pretty excited to जी हाँ दोस्तों, शार्दुल ठाकुर ने मैसेज भेजा केकेआर की फैंस के लिए और केकेआर की टीम मैनेजमेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2023 साल से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने डिसाइड किया था रिलीज करने का शार्दुल ठाकुर को, और केकेआर ने ट्रेडिंग की दिल्ली कैपिटल्स के साथ और शार्दुल ठाकुर को अपना टीम में उठा लिया केकेआर। और ट्रेडिंग कैसे होता है, क्यों होता है, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल में पिछला वीडियो देख सकते हैं। और शार्दुल ठाकुर आने के बाद केकेआर का टीम का जो स्क्वाड है वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा, ये हम और आप कह ही सकते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स का ये डिसीजन आपको कैसा लगा और केकेआर का ये डिसीजन आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपको मेरे कमेंट का।